Good afternoon, dear student. How are you all? Okay, so you all are fine at home. So, dear student, welcome to the maths online class. Now, take out your maths book and open page number 122. Now, in this page number 122, you all have checked in. Okay. Now, see here in this page, we are going to discuss about the comparing capacities. Okay, हम लोग capacities, comparing capacities के बारे में पढ़ेंगे. अभी हम लोगों ने क्या पढ़ा था? Weight के बारे में, means masses, mass के बारे में, means कितना weight है. अब हम लोग पढ़ेंगे capacities के बारे में. तो capacities जो होते हैं, now see here, see the question. Look at the bottle and the jug on the right. Okay, we use both of them to store water, milk, etc. Now, which one can hold more water? अगर ये छोटा सा बॉटल है, ओके, लाइक दिस सपोज, एंड वन जग इज देयर, है ना, ये जग है, ठीक है. तो इस इन दोनों में आप देख के ही बता सकते हो कि किसमें वॉटर ज्यादा आएगा, इसमें या इसमें. ऑफ कोर्स इन जग. ओके, तो यू आर गोइंग टू राइट डाउन जग. ओके, जग में वाटर जो है और मिल्क कुछ भी, वो आपका ज्यादा क्वांटिटी में आएंगे, ठीक है. नाउ सी, अगर हम लोग कोई भी क्वांटिटी को, मीन्स वाटर को या मिल्क को, अगर हम लोग किसी जार में, बॉटल में या किसी भी कंटेनर में अगर फील करते हैं, तो वो जो होता है वो हमेशा लिक्विड, लीटर में हम लोग उसकी जो यूनिट होती है वो क्या होती है, लीटर, ठीक है. तो हम लोग लीटर में ही उसे मेजर करते हैं, हाउ मीन्स मिलीलीटर और लीटर, ठीक है. नाउ सी, कैपेसिटी मेजर्स द क्वांटिटी ऑफ लिक्विड दैट अ वेसल कैन होल्ड. नाउ मेजरिंग कैपेसिटी इन मिलीलीटर्स एंड लीटर, हमेशा मिलीलीटर और लीटर में ही हम लोग कैपेसिटीज को मेजर करते हैं. नाउ वी मेजर स्मॉल कैपेसिटी इन मिलीलीटर, जो छोटे छोटे जो होते हैं बॉटल, यानी कि आपके पास मेडिसिन की बॉटल होंगी इस टाइप्स की, ओके, मेडिसिन की बॉटल है, तो ये हमेशा मिलीलीटर में मेजर होगा. और अगर आपके पास बड़ा सा कोई कंटेनर है या बॉटल है 1 लीटर का, तो वो हमेशा लीटर में मेजर होगा. ओके, नाउ सी हियर, हाउ मच इज 1 मिलीलीटर, 1 मिलीलीटर कितना है. नाउ 5 ड्रॉप्स ऑफ वॉटर मेक अबाउट 1 मिलीलीटर. जो 5 ड्रॉप यानी कि 1 स्पून, टीस्पून जो होता है, आपके घर में टीस्पून होंगे, उस टीस्पून से आप मेजर करोगे, तो जो जितने भी उसमें पानी होल्ड होगा, तो वो क्या होगा, 5 मिलीलीटर में ही होंगे, ठीक है, वो 5 मिलीलीटर में होंगे. नाउ सी हियर पिक्चर्स, पिक्चर्स आर देयर, स्टूडेंट कैन यू सी दिस पिक्चर्स, यस, पिक्चर्स आर ऑल्सो गिवेन हियर. नाउ सीरिंज, सीरिंज जो होती है, हमें इंजेक्शन लगती है या किसी को भी, तो वो 2 ml होती है उसमें, ठीक है, सीरिंज में जो फील होती है 2 ml ही डॉक्टर हमेशा वो हमें इंजेक्शन लगाते हैं. देन दिस सीरिंज इज बिगर, ये देखिए बड़ा जो है सीरिंज, ये इसमें जो कंटेन होता है वो 5 ml कंटेन होता है, ठीक है. नाउ बॉटल ऑफ कफ सिरप, कोई भी आपके पास कफ सिरप होंगे, तो कोई भी सिरप वाली जो बॉटल होती है वो 200 ml ऑफ सिरप उसमें कंटेन होता है, जिसमें से हम 5 ml ही कंज्यूम करते हैं डेली. ओके, नाउ सी द नेक्स्ट पेज 123. इफ वी वांट टू मेजर लार्ज कैपेसिटी, वी यूज लीटर एज अ यूनिट. अभी तक हम लोग स्मॉल स्मॉल चीजें, यानी कि मिलीलीटर में हम लोग उसको मेजर करेंगे, और जो बड़ी बड़ी जो जो लार्ज कैपेसिटीज होती है, यानी कि ज्यादा जो कैपेसिटीज में लिक्विड, जो लिक्विड वाली जितनी भी आप चीजें देखते हैं, यानी कि मिल्क देखते हैं, ऑयल देखते हैं, वाटर देखते हैं, ये सब चीजें कैपेसिटीज हैं. ओके, तो ये सब लीटर में मेजर होंगे. यहाँ पे देखिए, कप कैन होल्ड 200 ml ऑफ मिल्क, देन पेप्सी बॉटल, 1 लीटर की पेप्सी बॉटल होती है, ऑयल कंटेन 3 लीटर, ये यहाँ पे जो केन बना है, देन बिस्लरी की एक बॉटल है वो 5 लीटर की है, ठीक है. Now come to page number 123. Page 123. Okay. On this page, tick the ones that contain more than 1 liter. इसमें आपको टिक करना है जिसमें 1 liter से ज्यादा है, यानी कि टिक
टेक द वन विच कंटेन मोर देन 1 लीटर. ओके सो स्टूडेंट टेक आउट पेज नंबर 123. Okay, see here, one, take the one who contain more than 1 liter, okay, more than 1 liter. So, यहाँ पे देखिए, one is, bucket is there, I am not drawing the picture, I am writing the words, okay, bucket is there. तो bucket is there, blue color की bucket है, आप देख सकते हैं, ठीक है? तो उस बकेट में 1 लीटर से ज्यादा वाटर होंगे कंज्यूम. तो यस, बकेट में 1 लीटर से ज्यादा होंगे, तो आपको यहाँ पे टिक करना है. उसके बाद क्या है, बॉटल है, वाटर बॉटल, जो बॉटल आप लोग स्कूल लेकर आते हैं, तो वहां पे 1 लीटर का ये बॉटल मुझे दिख रहा है. वाटर इज देयर और समथिंग एल्स, शैम्पू, सॉरी इट इज शैम्पू, शैम्पू इज देयर. तो शैम्पू 1 लीटर से ज्यादा नहीं होता है, इट इज शैम्पू. ओके तो हेयर यू आर गोइंग टू डू द क्रॉस. देन इज बिस्लरी 5 लीटर, बिस्लरी, बिस्लरी की बॉटल है, यहाँ पे आपको करना है टिक, क्योंकि बिस्लरी की बॉटल जो यहाँ पे बनाया हुआ है वो बड़ी वाली है, तो ये 5 लीटर है, तो मोर देन 1 लीटर हुआ. देन इज मिल्क, मिल्क जो है वो 1 लीटर का ही मिल्क दिख रहा है, मोर देन तो है नहीं, तो आपको यहाँ क्रॉस करना है. देन इज टैंक, टैंक में तो वाटर 1000 लीटर होती है, तो यहाँ पे आपको अगेन करना है टिक. देन इज कोकोनट ऑयल, कोकोनट ऑयल, कोकोनट ऑयल इज देयर. तो पैरासूट का 200 ml और 250 ml की ही होती है बॉटल, तो 1 लीटर से ज्यादा नहीं है, तो वो क्रॉस करना है. सो डू इट दिस क्वेश्चन. इट इज बिस्लेरी स्टूडेंट, नॉट बिस्लेरी, Larry. Okay, not wait. Done now, see, one more question is there, student. On page 123. On page 123, one more question is there. Write ml for those you want measure in milliliter and L for those you would measure in लीटर, मीन्स मिलीलीटर आपको राइट डाउन करना है, जिसमें आपको लगे वो मिलीलीटर है, एंड लीटर फॉर दोज यू वांट वुड मेजर इन लीटर. नाउ सी, वन इज पेट्रोल, वन इज पेट्रोल फॉर द कार, पेट्रोल फॉर द कार, ऑफकोर्स ये जो होता है वो लीटर में ही होता है, 1 लीटर 2 लीटर आपके फादर उसमें डलवाते होंगे आपके कार में,
नाउ मिल्क फॉर दी बेबी, मिल्क फॉर दी बेबी। तो मिल्क आपकी जो बॉटल होती है वो शॉर्ट होती है, इतनी बड़ी ही होती है, उसमें ml होती है, 500 ml और 250 ml की मिल्क बॉटल आती है। देन इज द केन इन विच, द केन इन विच द मिल्क, मिल्कमैन जो होते हैं वो लेकर आते हैं मिल्क, ब्रिंग्स मिल्क। तो वो जो केन होता है वो लीटर में ही होता है, ठीक है, वो बहुत बड़ी बड़ी केन होती है जो मिल्कमैन लेकर आते हैं। नाउ एप्पल, एप्पल जूस मिनी पैक है, ये क्या है, मिनी पैक, इट इज मिनी पैक। तो एप्पल जूस मिनी पैक तो लीटर मिली लीटर में ही होगा, वो इतना ही मिनी पैक है, तो इतनी बड़ी होती है 200 ml की। नाउ वाटर, वाटर टू फिल दी बाथ टब, बाथ टब में तो आपके यहां आप जो बाथ टब होगी उसमें जो वाटर फिल होता है वो तो लीटर में ही फिल होगा, ठीक है, 50 लीटर और 100 लीटर इतना ही आसपास होगा, तो वो लीटर में एल लिखेंगे आप। देन इंक इन एन इंक पॉट, इंक इन एन इंक पॉट जो होगा वो ml में होगा, इंक पॉट जो होती है वो इतनी बड़ी होती है, 200 ml की इंक पॉट होती है, तो वो ml ही होगा, ठीक है, नॉट डू इट। Do it fast. So do it fast, student. It is on page number 123, and these questions you are going to do in your book. Okay. Now this Friday, means today, you are not going to submit your copy because tomorrow on Saturday, I will take your live class. Okay. So if you face any problem, you can tell to me tomorrow on Saturday. So till then, student, keep learning and practicing at home, and please complete your work on time. So take care. Bye.